लोग जानते हैं कि आपके शहर हिसार के अंदर 100 साल से भी पुराना रामदेव जी का मंदिर है। जी हाँ, जिसकी मान्यता जो है दूर दूर तक है। हालांकि अगर एक मंदिर की बात की जाए, प्राचीन मंदिर की, तो रामदेव जी का मुख्य मंदिर जो है जैसलमेर के अंदर है। लेकिन अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर ये मंदिर जो है लगभग 100 सालों से यहाँ पर है, जिसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि हर साल यहाँ पर इतना बड़ा मेला लगाया जाता है हिसार के पास पड़ने वाले गंगवा गांव के अंदर, जिसे जो है रामदेव जी का मैदान भी कहा जाता है। यहाँ पर ही मेला लगाया जाता है और मेले के अंदर जो है जोरदार हंगामा हो चुका है। और हंगामा किस वजह से हुआ है, एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, पीछे की भी आगे की भी, क्योंकि यहाँ पर जो है महिलाएं तैयार होकर के आ रही है, पुरजोर तैयार होकर के आ रही है, और भाई कोई भी कसर नहीं है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, आदमी सब यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए आपको 100 साल पुराने इस मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ और साथ साथ के अंदर बताऊंगी कि आखिरकार क्यों जो है रामदेव जी की मान्यता इतनी ज्यादा है। तो चलिए सीधा सीधा आपको दिखा देती हूँ। पहले जो है अंदर एंटर करते ही छोटे छोटे फूड स्टॉलर्स यहाँ पर है, दूसरी तरफ जो है झूले लगाए गए हैं, जहाँ पर लगभग विलुप्त तो होते मेले जो है आज अलग से दिखाई दे रहे, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा पुराना हो गया है मेले का कंसेप्ट। लेकिन आज भी अगर गाँव की बात की जाए तो गाँव के अंदर ये छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए मेले में जो है लाखों की जनसैलाब उमड़ता है। आज यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? आज रामदेव बाबा की धोख देने के लिए आए हैं। अच्छा, कौन थे रामदेव जी? रामदेव कृष्ण भगवान के अवतार थे। रामदेव जी कृष्ण भगवान के, राजस्थान के रामदेव बाबा का बहुत पर्चा है बाबा का। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर मान्यताएं मांगने के लिए आते हैं तो क्या कभी पूर्ण भी हुई है? नहीं, पूर्ण होती है, होती है। हमारे गाँव थी छाती में और रुणेचा धोख बोली थी और ठीक होगी। तो ये देखिए, अलग अलग तरीके की मान्यताएं जो है इस मंदिर की है। हालांकि कहा जाता है रामदेव जी जो है कृष्ण भगवान के आखिरी अवतार थे, इसी वजह से उन्हें पूजा जाता है और अलग अलग जगह जो है इनके मंदिर लगाए जाते हैं। मंदिर के अंदर जो है मेले लगाए जाते हैं, कहीं 3 दिवसीय, कहीं 2 दिवसीय। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जो है 1 दिवसीय मेला यहाँ पर लगाया गया है। कुछ लोग यहाँ पर और मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आज यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। यहाँ धोख मारने के लिए आए। अच्छा, ये बताइए रामदेव जी की मान्यता क्या है? रामदेव जी महाराज की यहाँ बहुत मान्यता, हर प्रकार के कष्ट कटते हैं यहाँ। कोई भी दाद खाद खुजली हो ना, अगर एक बार धोख मारने ना, वो सही हो जाती है, दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, क्या आपके पास कोई प्रमाण है जिसका यहाँ पर कोई भी दाद खाद खुजली हो या फिर कोई ऐसी चीज हो, मान्यता मांगी हो, वो पूरी हो? चांदनी चौथ होती है ना, उस दिन आओ आप। अच्छा, हर बार आओ, हर महीने इतने रोट लगते हैं, इतने बड़े बड़े रोट है, और मतलब जिनकी मन से पूरी होते हैं ना, वो रोट लगाते हैं यहाँ और सारे सही होते हैं। इतने लोग आएंगे आप देखोगे ना, तो ऐसा मेला सब हो जाता है। तो ये मंदिर यहाँ पर बनाने के पीछे का कारण क्या है, किसकी समाधि यहाँ पर है? ये ब्रह्मचारी की जी। अच्छा, ब्रह्मचारी जी जो महंत थे यहाँ पर, उनकी समाधि है। समाधि है जी। तो क्या और कहीं भी इस तरीके के मंदिर है रामदेव जी के? रामदेव जी के मंदिर बहुत गांव में है जी। मुन्ना हरियाणा रिया टोकस पतन धोड़ू नाडुड़ी लदास हर गांव में है जो हिसार बैठे। आपको आगे लेकर के चलते हैं और लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखाती रहूंगी मेले की, भाई आज क्या क्या है मेला मेले के अंदर। और जो ये आप स्टोर देख पा रहे हैं, ये सिर्फ हिसार के ही लोग नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोग जो है अलग अलग जगह से पहुंचे हैं। कुछ लोग पानीपत से पहुंचे हैं, कुछ लोग सोनीपत से पहुंचे हैं, कुछ लोग तो जैसलमेर से भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अलग अलग तरीके से जो है इस मेले का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए, अभी जो है टैटू यहाँ पर बनाया जा रहा है। हालांकि ये चीजें जो है कहीं ना कहीं बिछड़ती हुई नजर आ रही थी, मेले जो है आजकल कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। और ये देख लीजिए आप, महिलाएं भी जो है यहाँ पर स्टॉल लगा रही हैं और अलग अलग चीजों की स्टॉल है यहाँ पर, कपड़ों की स्टॉल हो गई, अलग अलग जो है शोल्स यहाँ पर आए हैं। इन महिला से पूछने की कोशिश करते हैं, मैडम कहाँ से आई हैं आप? आजाद नगर से। आजाद नगर से है, तो आज ये शोल की स्टॉल लगाई है, कहाँ से लेकर के आती है ये? ये दिल्ली से ही लाते हैं जी। दिल्ली से कितने
कितने का है? 200-250 ऑन कॉस्ट निकाल के जो आए रेट, कोई इसमें प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, तो 200-250 यानी कि ऑन कॉस्ट निकाल करके भाई यहाँ पर मेला लगाया जा रहा है। और ये देख लीजिए, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक जो है क्रेज है इस मेले का, क्योंकि रामदेव जी की मान्यता इतनी है, हर कोई चाहता है कि रामदेव जी के मंदिर के अंदर आए। और दिखा देते, ये देखिए राजस्थानी वेशभूषा के अंदर जो है लगभग लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इनसे पूछते हैं, आपने जो है राजस्थानी कपड़े पहने हैं, तो आप क्या राजस्थान से या खास रामदेव जी के मंदिर में आने के लिए तैयार होकर के आई है? रामदेव जी के मंदिर में आए तैयार होकर। अच्छा, रामदेव जी के मंदिर में खास जो है आप ये राजस्थानी वेशभूषा ही धारण करते हैं? अच्छा, तो मतलब ऐसी मान्यता है या फिर आप लोग वैसे ही ये धारण करके आते हैं? इस तरह पैरवासी ही है। अच्छा, और है कहाँ से आप? राजस्थान से, जोधपुर के। अच्छा, जोधपुर से आप यहाँ आई है। जैसलमेर में भी तो मंदिर है, वहाँ पर धोख नहीं मारी आप? वहाँ भी जाते हैं। वहाँ भी जाते हैं और यहाँ पर भी आए हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए फटाफट से आपको एक बार मंदिर की तस्वीरें दिखाते रहिए साथ साथ में। और ये देख लीजिए, जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर ये घोड़ा गाड़ी और ये भी दिख जाएगी। इसके पीछे की मान्यता जानते हैं भाई। ये घोड़ा गाड़ी जो है हर मेले के अंदर बिकती है, इससे क्या होता है मुझे ये बताइए, ये घोड़े क्यों खरीदे लोग आपके? खिलौने हैं टापरांगे। अच्छा, ये खिलौने की तौर के ऊपर बेच रहे हैं या फिर मंदिर के अंदर चढ़ते हैं ये? ना, खिलौने है टापरा के लिए। अच्छा, तो रामदेव जी के मंदिर के अंदर क्या क्या चढ़ता है? प्रसाद ही नारियल यही चढ़ा और के। अच्छा अच्छा, तो देखिए जल्दी जल्दी आइए मेरे साथ। ये देखिए जो है कई लोग यहाँ पर राजस्थानी वेशभूषा के अंदर जो है तैयार होकर के आ रहे हैं। मुझे एक बार आपका ये बताइए, ये इसको कहते क्या है? लहंगा कहते। लहंगा कहते हैं। आप लोग राजस्थान से आए हैं? जी। अच्छा, राजस्थान से आए आप लोग? हाँ, राजस्थान से आए। ये मेला देखने आए, ये घूमने आए, ये खुशी से आए। अच्छा, तो ये तो आपके राजस्थान के अंदर भी लगता है, तो हिसार के अंदर क्या है? हिसार में आया मैं सही कमाई करने, नाचन के नहीं है, नाचन के नहीं है। अच्छा, टीवी पे नहीं आ रहे, सीधा नाच करके थोड़ा सा। अच्छा, एक गाना गा दीजिए कोई सा भी। ये देखिए भाई, जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं ना राजस्थानी वेशभूषा के अंदर ज्यादा आ रहे हैं, और राजस्थान से भी आ रहे हैं। बहुत प्राचीन मान्यता इस मंदिर की, और बड़ी ही चौंका देने वाली बात है कि हिसार जैसे मंदिर के अंदर भी भाई राजस्थान जैसे राज्यों से भी जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक ना यहाँ पर अलग सी चीज दिखाई दी कि हर मंदिर के अंदर ये डर रहता है कि हमारे जूते चप्पल चोरी हो जाएंगे, तो यहाँ पर लोग जो है जगह जगह के ऊपर बैठे हैं जो आपके जूते चप्पल जो है इकट्ठे कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या ये इकट्ठे करने के पैसे भी ले रहे हैं आप? देते हैं, कोई दो रुपए, तीन रुपए देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अपनी मर्जी है, दे तो दे, ना दे तो ना दे। प्रसाद देते हैं, प्रसाद। अच्छा अच्छा, बेटा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? अच्छा अच्छा, हेलो बेटा, हेलो, ये यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? जूते। अच्छा, अच्छा, अच्छा भाई, ये देख लीजिए रामदेव जी के मंदिर के अंदर जो है अलग अलग चीजें यहाँ पर है। तो चलिए अंदर जो है आपको लेकर के चलती हूँ। एक यहाँ पर पेड़ भी है, और शायद हो सकता है कि इसकी भी कोई मान्यता हो, लेकिन फटाफट से आपको भंडारे के अंदर लेकर के चलते हैं भाई। रामदेव जी के दर्शन करवा देते हैं, जिन्हें जो है कृष्ण जी का, जी हाँ, भगवान कृष्ण का आखिरी अवतार कहा जाता है। और लोग जो है बड़ी ही दूर दूर से यहाँ पर मान्यता मांगने के लिए आते हैं, और सिर्फ मान्यता मांगने के लिए ही नहीं आते हैं, ये इतना प्राचीन मंदिर है कि यहाँ पर जो है मान्यताएं पूर्ण भी होती हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो है मान्यताएं पूर्ण भी होती हैं। और ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको हिसार के क्या, और ये देखिए कितनी बुजुर्ग महिला है ये, और ये भी जो है आज रामदेव जी के दर्शन करने के लिए आई है। आ, आ, आपकी उम्र कितनी है? अस्सी। 80 साल की है। आज यहाँ पर आप क्या करने के लिए आई है? धोख मारने के लिए आई है। अच्छा, ये बताइए, क्या आपने काफी सालों से इनको पूजती होंगी? जो भी मान्यता मांगी थी वो क्या पूर्ण हुई है? मान्यता जो आपने मांगी थी आपकी पूरी हुई है? अच्छा, ठीक है।
ये देखिए जो चल नहीं सकता है, और श्रद्धा इतनी है, विश्वास इतना है, आस्था इतनी है कि ना चल पाने के बावजूद भी जो है आज यहाँ पर जो है धोख मारने के लिए आई है। खैर ये सीधा लाइव तस्वीरें जो आपको हिसार के रामदेव बाबा के मंदिर से दिखा रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और आगे भी जो है आपको इसी तरीके से पूरे मेले के दर्शन कराती रहूंगी और बताती रहूंगी कि कहां कहां जो है। और ये देख लीजिए यहां पर जो है अंदर एंटर करते ही यहां पर क्या हो रहा है, कोरोना के लिए टीका लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा कोरोना के लिए यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना के इंजेक्शन दे रहे हैं। अच्छा कोरोना के इंजेक्शन, यानी कि अगर किसी को लगवाना हो तो यहाँ से लगवा सकता है, यहाँ से लगवा सकता है। अच्छा और कौन सा इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कोविशील्ड या फिर? कोविशील्ड लगाया जा रहा है 18 से 60 अबव। अच्छा 16 अबव को जो है यहाँ पर वैक्सीन भी लगाई जा रही है। भाई बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर जो लोग मंदिर के अंदर आ रहे हैं, भीड़ बेहद ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है, कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है और वैक्सीन लगवाने के लिए भी यहाँ पर जो है एक हेल्थ की टीम बिठाई गई है। हालांकि आपको बता देती हूँ कि अबोहर रोड पर एक बनवाला का मंदिर भी है जहाँ की मान्यता भी बहुत ज्यादा है। हालांकि इस मंदिर की बात की जाए तो ये एक दिवसीय मंदिर है और इसीलिए जो है इस मंदिर की मान्यता है, जिसके लिए आज एक दिवसीय मेला लगाया गया है। विशाल और ऐतिहासिक धार्मिक मेले की तैयारी जो है काफी समय पहले ही कर ली गई थी। हालांकि श्रद्धालु आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है बाबा की पूजा करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा मंदिर का कई प्रकार से जो है उसको सजाया भी गया है। मंदिर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और श्रद्धालु जो है सीसीटीवी की नजरों के अंदर कैद हो रहे हैं, और मेले के पहले दिन जो है मन्नतें उतारने वाले श्रद्धालुओं के लिए माथा टेकने के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। और मेले के अंदर आपको बता दें कि विभिन्न प्रकार के झूले और लोगों के आकर्षण का केंद्र भी जो है अलग अलग स्टॉल बन रही है। वहीं मेले के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ठहरने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं से जो है मास्क पहन करके आने की अपील की गई है। और ये देख लीजिए आप हिसार से सीधा मैं आपको ये मेला दिखा रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये प्रधान जी है मंदिर में। और ये देखिए प्रधान जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। प्रधान जी मुझे ये बताइए आज जो है पूरे पगड़ी जो उसे राजस्थान स्टाइल में तैयार हुए, आप हमेशा ऐसे रहते हैं या फिर आज विशेष तौर पे? मेले की तरफ ही ऐसे रहता हूँ। अच्छा हाँ। तो ये मेले का आयोजन आज किसने करवाया है? ये पूरे गांव ने करवाया है। हाँ। और आज यहाँ पर क्या क्या बना है? यहाँ पर हलवा और छोले बने। अच्छा। तो ये हलवे और छोले का ही प्रसाद क्यों लगाया जाता है? ये बाबे की मन्नत होती है ना उसी साथ। अच्छा। और लगभग साल के अंदर कितनी बार रामदेव जी का मेला लगता है? साल में दो बार। दो बार कब कब लगता है ये? अभी भादों में लग गया। हाँ। फिर माह में लगेगा। अब माह में लग गया फिर भादों में लगेगा। इसकी मान्यता क्या है मंदिर की? हाँ। ये रामदेव का मंदिर है, उधर ब्रह्मचारी महाराज का मंदिर है, वो लगभग 125 साल पहले का है। अच्छा ब्रह्मचारी जी का मंदिर अलग है, रामदेव जी का मंदिर अलग है? अलग है। अच्छा ब्रह्मचारी जी जो थे वो महंत थे। ठीक है। यहाँ गांव में उन्होंने तपस्या की है, 125 साल पहले उन्होंने समाधि ली है। ठीक है, 125 साल पहले उन्होंने यहाँ पर समाधि ली है, जिनके ऊपर जो है ये मंदिर बनाया गया है, जिसकी वजह से। हाँ। ठीक है। तो मंदिर आपको अलग से दिखाते हैं, यहाँ पर धोख कहाँ पर लगाई जाती है? ये सामने मंदिर है। और धोख लगने के बाद उस साइड निकल जाते हैं, उस साइड भंडारा है। तो चलिए आपको श्रद्धालु दिखा देती हूँ और सीधा आपको लाइव रामदेव बाबा के दर्शन करवा देते हैं, रामदेव जी के दर्शन करवा देते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि दर्शन करने के लिए जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं उनके लिए विशेष तौर के ऊपर, और ये देखिए नारे लगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए जय भगवान जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो हमेशा से ही गांव के कामों के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जय भगवान जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये जो मेले में दान दक्षिणा दे रहे हैं उनकी वो लिखित कर रहे हैं। मैंने सोचा किसी की शादी हो रही है। शादी नहीं है, मेला लग रहा है भंडारे के लिए। बाबा रामदेव का भंडारा है, उसके लिए जो भी भगत श्रद्धालु जो भी देखे जाते हैं भंडारा के लिए ये। तो एक बार आप हमें भंडारा दिखा देंगे कि कहाँ पर लगा हुआ है, क्या कुछ लगा हुआ है? तो चलिए जय भगवान जी, आगे की यात्रा तय करेंगे, आगे के दर्शन हमें करवाएंगे कि किस तरीके से जो है आज यहाँ पर राम। एक बार मंदिर दिखा दीजिए और उसके बाद भंडारा।
मंदिर के दर्शन आपको करवा देते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की जो है भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। और ये सीधा लाइव है, मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, जहाँ पर भीड़ जो है बेहद ज्यादा इकट्ठा जो है। जय भगवान जी, कितनी फेरियां जो है लगाई जाती हैं? क्या जी, कितनी फेरियां लगाई जाती हैं? फेरियां भक्त 7 फेरियां लगाते हैं जी यहाँ। अच्छा, यानी कि कोई भी अगर मन्नत मांगनी हो तो 7 फेरी लगा करके दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से जो है फेरी लगा। विशेष रूप से भंडारा लगाया जाता है। और ये देखिए, एक अलग चीज आपको दिखाऊंगी। अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि मेले के अंदर इतने सारे नारियल आते हैं तो उसका किया क्या जाता, तो ये देखिए कुछ ऐसे जो है मशीन से नारियल तोड़ा जाता है। क्या किया जा रहा है यहाँ? ये नारियल चढ़ाने के लिए नारियल तोड़ा जाता है। अच्छा, और ये देखिए नारियल टूट गया है और अब इसको जो है खोला जा रहा है ताकि इसके ऊपर की परत जो है वो उतार दी जाए, और कुछ इस तरीके से इसको उतार करके अंदर से जो है नारियल निकाल लिया जाता है। चलिए आगे आपको लेकर के चलती हूँ, और फटाफट जो है शेयर करते रहिए। अगर आप लोगों को भी अपनी मान्यता मानते हैं आप यहाँ मंदिर की, और अगर आप लोग ने भी कोई मन्नत मांगी है और आप लोग आज यहाँ रामदेव जी के मंदिर में नहीं आ सके, तो आप लोग भी घर बैठे लाइव जो है दर्शन कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग आप लोगों का ध्यान रखते हैं। तो चलिए फटाफट से आपको दिखा देते हैं। भैया, एक मंदिर जो है यहाँ पर भी बनाया गया है, इसके अलावा भंडारा यहाँ पर लगाया गया है। भंडारे के अंदर आपको लेकर के चलते हैं कि क्या कुछ जो है भंडारे के अंदर स्पेशल है। होता है उससे प्रसाद, तो प्रसाद ही होता है जी। कोई अलग से विशेष मान्यता हो कि अगर 2 क्विंटल का हलवा बनाते हैं, 2.25 क्विंटल घी का और 2 क्विंटल चने का प्रसाद होता है। ठीक है, ठीक है, एक बार आपको ले जा करके भी दिखाते हैं भाई कैसा जो है इतना सारा प्रसाद बनता किसमें है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं भाई प्रसाद। और ये देख लीजिए भाई, इतनी बड़ी कढ़ाई, इसके अंदर कितना क्विंटल जो है हलवा बनाया गया है। हलवा तो 2.25 क्विंटल घी का, लगभग 30 क्विंटल का लगभग हलवा तैयार इसके अंदर। अच्छा, 30 क्विंटल, 30 क्विंटल मतलब इतना पूरे गांव के अंदर बांटा जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं सबको प्रसाद लेते हैं यहाँ। अच्छा, एक बार आप आगे आ जाइए भाई, यही बनाते हुए दिखाई दे रहे थे मुझे। ठीक है, सारे गाँव के इकट्ठे होकर के बनाते हैं। ये बताइए, कढ़ाई इतनी बड़ी है, करछी जो है छोटी छोटी है, तो इसके अंदर चलाई कैसे जाती है? ये देखो, 10-15 आदमी लगते हैं इसमें। एक मिनट का करछी नहीं, करछा है। दस दस पंद्रह पंद्रह आदमी होके लगते हैं। हमको 3 दिन हो गए इसकी तैयारी करते हुए यहाँ। अच्छा, हाँ जी। और लगभग कितने किलो घी के अंदर ये तैयार हो जाता है? ये अभी 225 किलो घी का बनाया हुआ है। ठीक है। और इसके बाद में शाम को ये प्रसाद लग जाएगी, इसके बाद में हम जो दूध आता है ना गाँव से, उसके खीर का प्रसाद बनाएंगे। ठीक है। और ये दूसरी कढ़ाई मुझे वहाँ दिख रही है, उसके छोले कितने बनाते हैं? छोले करीब 2 क्विंटल छोले हैं ये। अच्छा, तो गांव की आबादी कितनी है? गांव की आबादी तो 10,000 आबादी है गांव की। तो अच्छा, तो लगभग 10,000 आबादी है, तो ये सारा लग जाता है या फिर बच भी जाता है कुछ? ये लग के उसके बाद में जो गांव से दूध आता है उसकी प्रसाद और बनाते हैं शाम को 4-5 बजे। ये 4-5 बजे तक ये प्रसाद लग जाएगा, उसके बाद में जो दूध आएगा गांव से उसकी प्रसाद बनाएंगे और फिर वो प्रसाद चलाएंगे। और इसको बनाने का मेन हलवाई हमारे ये सुल्तान जी है। बहुत कहाँ है ये सुल्तान जी? अरे वाह, इनसे भी जान लेते हैं। मुझे ये बताइए कैसे बनाते हो इतना सब? 20 आदमी लागे सवेरे। अच्छा। 4 बजे 8 बजे तैयार कर दे, मैं इतनी जानू आगे कौन जानू की। अच्छा, ये बताइए आप किस तरीके से इसको बनाते हैं? जो घर के अंदर हम लोग हलवा बनाते हैं, क्या उससे कुछ अलग तरीके से इन चीजों को बनाया जाता है? तरीका है वही तरीका है। अच्छा, हाँ। लेकिन अगर स्वाद की बात की जाए तो सुना है भाई यहाँ के स्वाद में अलग ही जो है मजा है। ये तो नाम से आ जाता है जी वो। ये तो मतलब है बाबा ब्रह्मचारी की दया से ये है ना काम है, इससे बनता है। और ये भी सुना है ये प्रसाद खा करके लोगों के बड़े ही कष्ट निवारण हो जाते हैं। हाँ जी, ये तो होता ही है जी, किसी वास्ते जाते हैं ये पब्लिक यहाँ श्रद्धालु। लगभग कितने लोग जो है यहाँ पर रोजाना खाने के लिए आ जाते हैं? रोजाना नहीं, आज मतलब पूरे दिन में कितने लोग आ जाएंगे? जितने श्रद्धालु यहाँ आएंगे मत्था टेकने के लिए, वो सारे श्रद्धालु यहाँ आएंगे। दूसरे महीने में आज का लग गया, और बाधुओं में
खीर का लगेगा। जो 15-20 आदमी है नी दूध या हमारे गांव का वे कोई कुंटल कोई दो कुंटल वो भंडारो लागी। अच्छा लगभग जो है अगर बात की जाए तो दो बार जो है प्रसाद मनाया जाता है रामदेव जी का, दो बार मेला लगता है, तो दो बार के अंदर कौन कौन से दिन जो है कौन सा प्रसाद चढ़ता है? दसवीं की माँ की दसवीं और दूसरी चेत की बाद में दसवीं में बाद में दसवीं में खीर का। हमारे गांव के जो युवा साथी हैं दूध वाले वो सारे सारे अपना दूध इकट्ठा करके और वो दूध देते हैं सारा। वो तो दूसरो महीनो है वो महीनो आठवें महीने दसवीं दूसरे महीने के अंदर कौन सा प्रसाद चढ़ता है? आठवें महीने में कौन सा प्रसाद? हलवा छोले फिर बादवे के महीने चढ़ेगी खीर, दूध में खीर बना। भाई तो ये है गंगवा गांव का रामदेव मंदिर जो लगभग 100-125 साल पुराना है, जिसकी मान्यता जो है बेहद ज्यादा है और श्रद्धालु जो है काफी संख्या के अंदर यहां पर उमड़ चुके हैं और भाई हंगामा बेहद ज्यादा यहां पर हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी यहां के दर्शन कीजिए ऑनलाइन, और अगर कोई भी मन्नत आपको मांगनी हो तो इस वीडियो को शेयर करके आप अपनी मन्नत मांग सकते हैं, क्योंकि भाई कहा जाता है कि पूर्ण रूप से जो है पूरी होती है। एक बार कह दीजिए लोगों को कि भाई ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ये वीडियो शेयर करें जी भाई, जिसको भी मन्नत मांगनी हो वीडियो शेयर करें। हाँ वीडियो शेयर कर दे भाई, घर बैठे दर्शन करो। ठीक है भाई, घर बैठे आप लोग दर्शन कर सकते हैं। गंगवा गांव से सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखाई है रामदेव जी के मंदिर से, जो लगभग 125 साल पुराना ये मंदिर है, जिसकी मान्यता बेहद ज्यादा है, जिसे जो है कृष्ण जी का आखिरी अवतार कहा जाता है। इसी वजह से जो है लगभग अगर राजस्थान की बात की जाए, जैसलमेर की बात की जाए, तो वहां से भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, और अगर संख्या की बात की जाए श्रद्धालुओं की तो लगभग 25,000 की संख्या के अंदर श्रद्धालु जो है आज यहाँ पर उमड़े हैं। खैर अगर आप लोग लाइव दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपके परिवार वाले आज यहाँ पर नहीं पहुंच पाए उन्हें भी जो है इस वीडियो को शेयर करके दर्शन करवा सकते हैं। आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियोस दिखाते रहेंगे, तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूले। नमस्कार।